हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, मुझे पता है। और आज का जो दिन है वो है रविवार, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, और तारीख है 19। तो मैंने ब्लॉगिंग सुबह से स्टार्ट कर दी है। मैंने सोचा कि आज किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, एक साबुत धनिया है, खड़ा धनिया, और मैंने इसमें गरम मसाला मिला लिया है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, अभी भून गया था धनिया, तो मैंने रख दिया था उसे ठंडा होने के लिए। और ये गोभी मैं फ्राई कर लेती हूँ, और इधर मैंने मसाला चढ़ा दिया है भुनने के लिए, वही लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, प्याज, टमाटर पीस ली थी मिक्सर में, और तेल गर्म हो जाने पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था कश्मीरी, फिर मसाले डाल के उसे भून लेती हूँ। मसाले जो हैं वो भून गए हैं, और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मसाले और आलू को मिक्स कर लूँगी, और गोभी अभी नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, जब सब्ज़ी पूरी तरीके से पक जाती है तो लास्ट में गोभी डालूँगी, क्योंकि इस समय की जो गोभी होती है वो बहुत जल्दी मतलब पक जाती है। मैंने उसे बॉयल पानी में डाला था, अब बस 2 मिनट में ही निकाला, और जब उसे फ्राई कर रही थी तभी जो है गोभी पूरी भुन चुकी थी। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, और रोटी की तैयारी मैंने कर ली है। तो अभी देखिए, आलू भी जो है मैंने 1-2 मिनट ही से पकाया है। अब जितना आपके फैमिली मेम्बर है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपने परिवार को देखते हुए आधे जग से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें डाल लिया है, और अब मैं सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी। जब आलू पक जाएगी, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, तब मैं गोभी इसमें डाल दूँगी लास्ट में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, घर जो है ना बहुत बिखरा हुआ है, और काम इतना ज़्यादा है ना कि मैं कुछ सूट ही नहीं कर पा रही हूँ। काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं है, फीवर आ गया था, आपको बताया ही था मैंने। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर का बस सूट कर ले रही हूँ, और प्रॉपर तरीके से जो ब्लॉग है मैं ठीक हो जाऊँगी तो जाएँगे। तो अभी देखिए घर बिल्कुल अस्त व्यस्त है, और बस मैं खाना बना लेती हूँ, बच्चों का थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ, फिर मैं दिन भर सो ही रहती हूँ। क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अभी तुम कोई ज़्यादा वर्क मत करो, तभी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मसाले जो मैंने भुने थे ना, धनिया और खड़े मसाले जो, तो उसका पाउडर बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो मसाले हैं इनका टेस्ट सब्ज़ी में डालने पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और काफ़ी टाइम हो गए थे ख़त्म हुए भी, तो यहाँ देखिए कितना बारीक जो है ये पिस गया है। तो मैं ये सारे मसालों को ऐसे पीस लेती हूँ, फिर छन्नी की हेल्प से उसे छान लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा मसाले निकलते हैं ना इसमें, जो पीसे हुए नहीं होते हैं, उन्हें दोबारा से जार में डाल के पीस लेती हूँ। और ऐसे करके मैंने जितने भी मसाले भुने थे ना, खड़े मसाले, उन सबको पीस के एक पाउडर तैयार कर लेती हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी लगती है, घर का होता है। हम साफ़ सफाई करने के बाद ही ये मसाला पीसते हैं, धनिया मैंने पहले ही धुल लिया था। तो आप भी ऐसे बना के इस्तेमाल करिए, बा मार्केट के मुकाबले इसकी जो सब्ज़ी बनेगी ना वो काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डब्बे में रख लिया है, 1 स्पून लगा दूँगी, और बिल्कुल मार्केट के जैसा ये दिख रहा था, मैं वही दिखा रही थी आप लोग को। फिर इस डब्बे को मैं रख लूँगी, और ये जो मेरा मिक्सर जार है काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ कर तो रही नहीं हूँ, और लगातार मैं काम नहीं कर रही थी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद काम कर रही थी। बस ये एडिटिंग है कि हमें एक साथ मतलब जो भी हम शूट किए रहते हैं ना उसे एक साथ लगा के हमें दिखाना होता है, पर ऐसा है नहीं, मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद ही काम कर रही थी। तो अभी मैं मिक्सी को पोंछ लेती हूँ, फिर हस्बैंड सब्ज़ी ले आए थे, सब्ज़ी घर में कुछ नहीं था, तो यही कद्दूआ और बोड़ा, बैंगन, लौकी परवर, यही सब लाए थे। तो मैं उन्हें वाश करके रख देती हूँ, जब सूख जाएगा तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी। जब से कोरोना का समय आया तब से ऐसा ही चल रहा है, सब्ज़ी आता है तो धुलने के बाद ही हम उसे लगाते हैं, पहले नहीं ऐसा मैं करती थी। अब इसे ढक के रख दूँगी, थोड़ा पानी इसका छन जाए, और ढक इसलिए दिया ना कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है इसके ऊपर से ना जाए। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर आ गई हूँ मैं फ्रिज को साफ़ करने। साफ़ नहीं, फ्रिज तो ऐसा गंदा था नहीं, बस हल्का हल्का मुझे कपड़ा फेरना था इस पर। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने लोग जो हैं फुल वॉच किया करिए प्लीज़ मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा नहीं आता है, मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ बिना लाइक किए मैं मानती नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैंने फुल वॉच किया है
और मैं लाइक नहीं दूँ तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे लाइक भी किया करिए। व्यूज़ के हिसाब से लाइक होते ही नहीं हैं, आप लोग आते तो हो पर ना लाइक करते हो ना ही फुल वॉच करते हो, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लाइक भी कर दिया करिए और प्लीज़ फुल वॉच किया करिए। बहुत ज़्यादा समय का मैं वीडियो अब नहीं बनाती हूँ 14 मिनट तक का, इसीलिए मैंने कम कर दिया वीडियो का जो समय है कि आप लोग उसे कम से कम फुल वॉच करोगे, बट आप लोग नहीं करते हो। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बाय बाय।